इस हम चारो एट्री सेवन का वर्सेस करते हैं देखते हैं कौन सा एमेट्रेटन ज्यादा बेस्ट है और यहाँ पे किस में क्या नेगेटिव पॉइंट है चारो एमेटेट सेवन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे चार कलर में ग्रेना वालों ने अवेलेबल कराया है क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लू येलो एंड यहाँ पे ग्रे वाइट कह सकते हो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आइकन अगर क्लिक करेंगे तो ऑल पे सेट कर देना है देखो यहाँ पे जो टॉप में इमेट्रेटी सेवन है वो रेड वाला है जो कि जिसका एबिलिटी डबल एट ऑफ फायर एड प्लस है कुछ ऐसा तो सबसे पहले उसका गेम प्ले देखते भाई क्या सीन है तो यहां पर डबल हर अपने को देखने को मिलता है जो कि भाई ज्यादा ही प्लस पॉइंट है तो यहाँ पर सीन ये होता है कि इधर एक बंदे होते हैं और अपने पास मतलब सामने बंदे और अपने को जाना है मतलब इस साइड हम जाते हैं थोड़ा टाइम हम वेट करते हैं कि बंदे आएगा आएगा लेकिन बंदे भाई नहीं आते लेकिन भाई बंदे भाग जाते हैं उल्टा तो यहाँ पर सीन ये होता है कि अपने को जाना ही होगा मतलब अगर अपने लोग जाएंगे नहीं तो भाई बंदे के पास जाएंगे कैसे तो मतलब सिंपल सीन है कि यहाँ पे इस साइड से मूव करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे एक बंदा होता है और भाई बंदे ऊकुंग यूज करते हैं एंड भाई ऊकुंग पे ही इसको जो शॉट लगा ना एक अलग ही सीन था इधर एक बंदा था भाई छिपा हुआ था मतलब अलग सीन है तो इस बंदे को भी तगड़े वाले शॉट पर थे तो कुल मिला के भाई रवर टफ आर के साथ ओपी वेपन है ये ठीक है लेकिन यहाँ पे सीन है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में बता दिया था कि कौन से सा से कौन सा एमेट्री एमेट्री मिल यानी बहुत सारे ऐसे जिससे इन सभी का एबिलिटी थोड़ा बहुत मैच करे तो इसको आप देख सकते हो लेकिन यहाँ पे सीन है टेस्ट को लेकर तो सबसे पहले यहाँ पे रेड वाला जिसका डायमंड प्लस है डबर रेट ऑफ फायर है मोमेंट स्पीड माइनस है या नहीं यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ है यानी दो गोली चूही एकदम फटाख से जाएगा मतलब समझ जाओ और डायमंड प्लस है तो मे बी यहाँ पे ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्किन हो सकता है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि गरीना हर वेपन का या हर स्किन की एबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करता है आने वाले दिन में भाई गरीना मतलब अलग ही सीन करता है एबिलिटी चेंज वगैरह होते रहते हैं तो यहाँ पे ये सीन है बट अभी का डायम डबल

तो ये एकुरेंसी में एकदम भाई ताल के मचने वाले, वाले बार इसका मोमेंट स्पीड माइनस है यानी वेपन को जो मूव वगैरह करते हो वो थोड़ा स्लो होगा बट यहाँ पर डबल एकुरेंसी है तो मतलब समझ जाओ डबल एकूरेंसी है अगर आपको एकुरेंसी चाहिए तो अब इस एम आई के साथ जा सकते हो लेकिन लेकिन यहाँ पे आप देख लेना अगर आपके पास कोई भी अच्छा एम आई है तो ये इन चारों में से कोई भी नौ भी लोगों तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा डबल डबल स्पीड के साथ आता है तो यहाँ पे लास्ट वाला जो कि लास्ट वाला नहीं है मतलब समझते हो सबसे कम एबिलिटी इसी में को रखा गया था तो यहाँ पे डबल डबलोड स्पीड है तो भाई एकदम तुरंत से रिलोड हो जाता है माइनस है है थोड़े बहुत आर्मर प्लस पर अच्छा वर्क करने वाला है तो देखो सबसे बेस्ट तो मुझे लगा रेड वाला ही बिकॉज ऑस का रेट ऑफ फायर डबल है डायमंड प्लस है लेकिन भाई बहुत ज्यादा डायमंड लगेंगे आप लोग के तो आप लोग के पास अगर कोई सा भी मेटेरियल से बने तो आप किसी भी मेटेरियल से बने दो शॉट में गैप कर सकते हो बंदे को अगर रेड वाला भी लेते हो फिर भी आपको दो शॉट एंड वन टाइम में तो किसी भी वेपन के साथ मतलब कोई भी मेटेरियल